ग्वालियर कलेक्ट्रेट में मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब यहां पर जाति प्रमाण पत्र की शिकायत लेकर पहुंची एक महिला ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर खुदकुशी की कोशिश की। जनसुनवाई हॉल में जैसे ही महिला ने खुद पर मिट्टी का तेल डाला तो वहां पर मौजूद महिला पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारियों ने उसके हाथ से कैरोसिन छीन लिया। एडीएम ने महिलाओं को 24 घंटे में सर्वे करके जाति प्रमाण पत्र बनाने का भरोसा दिलाया, तब हंगामा जाकर शांत हुआ। मंगलवार को झांसी रोड इलाके में रहने वाली मुखिया समाज की एक दर्जन से ज़्यादा महिलाएं ग्वालियर कलेक्ट्रेट में जाति प्रमाण पत्र की शिकायत लेकर पहुंची थीं। क्या करें, हमारे बच्चों का भविष्य, घर हमारी जाति, 50-60 जाति बनाई हमारी, पूरी रजट कर दी गई सर ने, पूरी रजट कर दी, हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल रहे हैं, स्कूल में पेपर नहीं देने दे रहे कि जाओ जाति लेकर आओ, अगर फिर भी तरह के गुंडे नेट बदल गए, जाति लिस्ट हो चुकी है, उनने बच्चों को निकाल दिया। कितनी कितनी जाति है? 50-60 जाति है हमारी। रहने वाले रहने वाले हैं सिंधियानगर के। क्या समस्या को लेकर आए थे? जाति को लेकर आए थे सर, जाति हमारी जाति नहीं कर रहे, चालू न बना रहे, एससी हम क्या बनवा ले जबकि हम एसटी में आते हैं। जाति प्रमाण पत्र बनवाने से संबंधित महिलाएं आई थी, उनके जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र चाहती हैं, वो एसडीएम झांसी रोड द्वारा निरस्त कर दिए गए हैं। उस संबंध में वो आंदोलित थी, उनको समझाया गया था, एसडीएम द्वारा भी समझा दी गई है और कल उनका एक बार परीक्षण के लिए उनके कागजात देखने को एसडीएम के द्वारा समय भी दिया गया है।